नमस्कार, अपन टेलीविजन के विशेष प्रस्तुति अपन विशेष में स्वागत है। दर्शकबिन, अखन देश के संविधान आबि चुकल है, तखनो मधेश में आंदोलन जारी है। आ अई आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर पुकवे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के एकटा बड़का योगदान है। आ ओई मीडिया के एकटा व्यक्ति जे आई हमरा सब जोड़े वार्ता के लागी छथिन, ओ छथि कंचन झा जी, आई हमर सबके गेस्ट छथि। आ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ई आंदोलन, मधेश के आंदोलन के कोन रूप में लऽ रहल छै, आ मधेश के आंदोलन के कवरेज कोन हिसाब से भऽ रहल छै, राष्ट्रीय मीडिया जे कि अखन बायस नजर आयल अई आंदोलन के क्रम में, तखनो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के केहन चासो छै नेपाल प्रति, ई संविधान प्रति, आ ई आंदोलन प्रति, तै विषय में बात करै छी कंचन झा जी से। स्वागत छै कंचन जी कार्यक्रम में। नमस्ते कंचन जी, सबसे पहिल प्रश्न जे हम अपने से पूछे के चाहब कि अंतर्राष्ट्रीय जगत के आँख कान कही तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया छै, अल जजीरा, बीबीसी, सीएनएन। अपने अल जजीरा के प्रोडक्शन चीफ, नेपाल के प्रोडक्शन, न्यूज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखे छै, तो अल जजीरा, बेसिकली अल जजीरा के पॉइंट ऑफ व्यू से कही तो ऊ ई आंदोलन के कोन रूप में लऽ रहल छै। विगत 15 दिन से अपने फील्ड में छी, मधेश आंदोलन के कवरेज कऽ रहल छी, तो कोन रूप में लऽ रहल छै आ केना एकर ब्रॉडकास्टिंग सब आ कवरेज भऽ रहल छै? जी, सर्वप्रथम तो अपने के जे फर्स्ट में छल कि एक आँखि और कान के नजर से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सब आगा बढ़े छै, स्पेशली जखन यूएन के लेवल में अगर बात पहुँच के हुए और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में पहुँच के भेल। अल जजीरा विशेष रूप से नेपाल के एक नीक स्पेस देवे वाला चैनल से अपने से हम सब कह सकै छी, कलाकि एकर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के वॉइस एकटा होइ छै इनकॉर्पोरेट करल है, जे हिसाब से रिपोर्टिंग केलकै है, और अखन देखबै तऽ इंटरनेशनल लेवल पर जे स्टोरी पिकअप केलक है, अल जजीरा वाज द फर्स्ट वन टू ब्रेक द स्टोरी खास, तऽ ओहिके बादे हम सब ई स्टोरी सबके आओर फॉलोअप कऽ पेलहुँ हैं। और स्पेशली ई संविधान के इश्यू पर, स्पेशली तराई मधेश में हमसब रौतहटे के मसौदा संकलन के जो घटना सब जखन बाहर आबऽ लगलै, जखन सरकारी पक्ष से जखन दमन सब ओही टाइम से शुरू हुअ लगलै, तो ऊ स्टोरी के हमसब कतौ हरा नहि जाय कहि कऽ ऊ स्टोरी के सेहो हमसब उठेलहुँ। ओहिके बाद ई मधेश आंदोलन के विभिन्न भाग में जाकऽ जनता सबसँ प्रत्यक्ष रूप में बात कऽ कऽ जनता सबके की छै चाहना, तऽ ऊ ग्राउंड रिपोर्टिंग के एकटा भूमिका हम और समग्र में हमर जे करस्पोंडेंट छथि सुबिना श्रेष्ठ, हुनका के विशेष धन्यवाद देबऽ चाहै छी, कलाकि स्टोरी टेलिंग के माध्यम उहे आगा बढ़ेने छथि। कंचन जी, एकटा जे अई आंदोलन के लगभग 40 दिन लंबा ई आंदोलन भऽ गेल छै, 40 दिन से बेसी भऽ गेल छै, अई आंदोलन में देखल गेल कि लोकल मीडिया, रीजनल मीडिया सब अई आंदोलन के जे रियलिस्टिक जे बात सब छलैया, जे रियलिस्टिक सिचुएशन आ सिनेरियो छलै ओकरा प्रस्तुत करलकै, लेकिन नेशनल मीडिया एक तक कवरेज नहीं करलकै। आ नेशनल मीडिया ई आंदोलन के जे रियलिस्टिक सिनेरियो छै, जे पॉइंट ऑफ व्यू छै, ओकरा डाइवर्ट कऽ के केनाइ तो दोसर दृष्टिकोण से देखबे के प्रयास करलकै, तखनो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू में रियल जे ग्राउंड सिनेरियो छै उहे कवरेज कऽ सकलै। तऽ नेशनल मीडिया के की इमेज अखन नेपाल के मीडिया के इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल मीडिया कतेक कोन रूप में लऽ रहल छै, आ कतेक विश्वासिलो मानै छै, आ की इमेज छै नेपाल के मीडिया के, नेपाल के नेशनल मीडिया के इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल मीडिया में? अब ई अहाँ के एकदम क्वेश्चन तऽ सधैँके, लेकिन की होइ छै कि नेशनलो मीडिया में अपन स्पेस लूज करऽ के बाद सब जखन तराई मधेश के इश्यू देखबै तऽ ई आंदोलने खाली नहि भऽ कऽ तराई मधेश के पहिले से 250 साल पहिले के इश्यू सब सेहो बहुत जगह दबायल गेल छै नेशनले मीडिया में, और ऊ एकटा अपन में अनफॉर्चुनेट बात सब छै, जेना भूकंप के टाइम में जे सहयोग तराई मधेश के लोग से प्राप्त भेल छै, ऊ सहयोग के गुणगान और ओकर जे सहयोग के भाषा जे रहै ऊ अहाँ के देखबै तऽ बेसिकली नेशनल मीडिया में सेहो नहि आयल रहै। तऽ ई आंदोलन तऽ एकटा अहाँ के अखन लोग ई आंदोलन में 50 आदमी से बेसी के कहियो न मृत्यु भेलै है, और के बाद एते तहस नहस भेला के बाद आदमी बुझ आबि रहल छै कि एना के भऽ रहल छै मधेश में, लेकिन ओहू से पहले तऽ मधेश के
भावना तो छे है मधेश के साथ जो विभेद भेल छे सब तो कायमे छे, तो उ स्पेसो कहियो मधेश के नहीं भेटले कि नेशनल मीडिया में। और अनफॉर्चुनेट बात की है कि अही ठम मधेसे के मीडिया एंटरप्रेनर सब जे छथि उ जखन अपन भूमि के बात नहीं बुझ सकै छथि तऽ आगा के बात एकटा बाते भेलै। और ई कोनो पक्ष के और विपक्ष के बात में हमने सेहो कह रहल छी, मीडिया रिपोर्टिंग एकटा तथ्य के आधार में होइ छै, मीडिया इज अ वॉच डॉग जे छै नि, बहुत सिंपल फेनोमिना भेलै लेकिन बहुत पावरफुल होइ छै ओ चीज। ओ 200 साल पहले से ई चीज आयल छै कि जतऽ जतऽ बड़का बड़का आंदोलन भेल छै, जतऽ जतऽ बड़का बड़का अपने के परिवर्तन भेल छै, ओहिठाम मीडिया के भूमिका बहुत सहज भेल छै। लेकिन ओही टाइम में आबि कऽ अखन हमसब 21वीं शताब्दी में भेला पर मीडिया हाथ हाथ में भऽ गेल छै, नवयुवक सबके टेक्नोलॉजी के साथ के जे लग प्रेम जे देखबै ओहि के कारण मीडिया रिपोर्टिंगो में एकटा दमदाम आयल छै। आइ काल्हि अहाँके ब्रेकिंग न्यूज ट्विटर के माध्यम से अहाँके पता चलत मेन स्ट्रीम मीडिया से बेसी, तो ओ चीज मधेश जे एक्सेप्ट केलकै या ई आंदोलन के दौर ओ एकटा बहुत बड़का उपलब्धि हम बुझै छी। आ जहाँ तक मीडिया में मधेश के स्पेस नहि एलु, हम तखने जना कहलहुँ हैं पहिलो से स्पेस नहि आबि रहल छै, ई आंदोलन अनफॉर्चुनेटली स्पेस नहिए देलकै, तैयो कते मेन स्ट्रीम मीडियो में कते एक दूटा चैनल छै जे एटलीस्ट रिपोर्टिंग देखा रहल यऽ, ओकरा स्पेस देबऽ के कोशिश कऽ रहल यऽ, तऽ ई एकटा अपने में बड़का खेल कहबै या छोटका खेल कहबै लेकिन सुनियोजित ढंगे से एकरा स्पेस नहि देलकै। कतौ नेशनल मीडिया पॉलिसी सेहो एहिमे ऑब्स्टेकल बन रहल छै, नेशनल मीडिया पॉलिसी आ ओकर सबके प्रायोरिटी लाइन जे छै ताहि चलते सेहो कवरेज नहि भेटै छै। इंटरनेशनले मीडिया के बात करी तो एक्सेसिबिलिटी के अपने बात कर ली कि मीडिया एक्सेस अखन ग्लोबली यूथ सबके हाथ में आ विभिन्न निकाय के विभिन्न क्षेत्र के लोग सबके हाथ में अखन मोबाइल के थ्रू, एंड्रॉइड के थ्रू आ विभिन्न डिवाइस के थ्रू छथि। अहाँ के जरूर नहीं छी टेलीविजने में देखथिन या पेपरे पढ़थिन, अहाँ के ई मीडिया बेसी ओवरटेक करल के अखन के दौर में। ई मीडिया के एकटा बड़का अगर सोर्स करल जाए तो ट्विटर, फेसबुक लगायत सोशल सामाजिक संचार सब छै, तो ई सोशल नेटवर्किंग साइट सब जे कि विगत से ई आंदोलन के शुरुआत के दौर से हम कहब कि रिपोर्टिंग करल आबि रहल छै फेसबुक पर, ट्विटर पर, विभिन्न चीज सब जेना मधेश में आंदोलन भेल या देश के की सिनेरियो छलै, की स्थिति छलै तै विषय में चौतरफी बात सब चलि रहल छल, तखनो अहाँ के इंटरनेशनल मीडिया के ध्यान आकर्षण नहीं भेल ओहि समय में। ई बीतल लगभग 10-15 दिन से जेकि शुरुआत हमर विचार से अल जजीरे करले छै, अपने सबके मीडिया सेहे करले छै, तो अल जजीरा के शुरुआत ई 15 दिन से मात्रे नेशनल मीडिया जेकि आज तक ABP आ BBC लगायत के जितने नेशनल इंटरनेशनल मीडिया सब छै, इंडिया के नेशनल मीडिया आ इंटरनेशनल मीडिया सब अखन कवरेज नेपाल के स्टोरी के खास कर के ई रेवोल्यूशन के आ ई जे जनता के कहब छै फाइट फॉर राइट के इशू के एहि एंगल से प्रस्तुत कऽ रहल छै, जेकि कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से विपरीत जेकि नेशनल मीडिया के इंटरेस्ट के विषय कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल रहै छलै गे, लेकिन अखन रेवोल्यूशन के एंगल से जे रिपोर्टिंग कऽ रहल छै तऽ एहिमे एते देरी किया, इंटरनेशनल मीडिया के ई स्टोरी पिकअप करय मे एते देरी किया, कलै कि तऽ विरोधाभास ई रेवोल्यूशन तऽ पहिले से चलि रहल छै तऽ किया एते लेट भेल छै। डेफिनेटली हम ई मानबे करब, एहिमे प्रथम बात हम स्पेशली द चैनल हम जे चैनल के लिए काज करै छी ओ चैनल के देखबै तऽ ई एकर जे छलै ने अपन हल्का स्पेस ई मूवमेंट के दऽ रहल छलै, तखने हम कहलहुँ मसौदा संकलन के टाइमे सँ हमसब एकरा एकटा स्टोरी के रूप सँ आगाँ बढ़ेने रही। ओहिके बादो ई देरी के भावना की छै कि नेशनल स्पेस, नेशनल मीडिया के स्पेस मे जखन स्टोरी नहि अबै छै तखन अन्तर्राष्ट्रीय जगत सेहो की होइ छै कि एकटा अहाँके लेयर्स ऑफ रिपोर्टिंग होइ छै, तऽ नेशनल मीडिया पिकअप केलक स्टोरी के तऽ ओ पिकअप अहाँके अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया सेहो केलक। आब अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया के ग्राउंड मे होइ छै ने रिसोर्सेज पठेनाइ बहुत चुनौतीपूर्ण काज होइ छै, कियाकि ओकरा लेल नया कम्युनिटी भेल, ओकरा लेल अथी भेल, ट्रांसलेटर लिअ, फिक्सर लिअ, ओहिके बाद होइ छै ने लाइन प्रोड्यूसर लिअ, ई सब लेला पर बात रिसोर्सेज सेहो खर्च हुअके बहुत सम्भावना होइ छै। ताहि लए ओ नेशनल मीडिया के ऊपर, नेशनल पेपर्स के स्पेशली डेली न्यूज पेपर प्रिंट मीडिया के ऊपर निर्भर केलक स्पेशली TV सब, ताकि ओ स्टोरी पिकअप केला के बाद ओ आयल, तऽ एहिमे ओ चीज के सेहो एकटा कमी भेल छै। लेकिन ओहि टाइम जे देखबै तऽ इंटरनेशनल वर्ल्डो मे ई इश्यू 2007 सँ एटलीस्ट मधेश के इश्यू इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मे एबे केलैए, नहि ताकि नॉट ओनली इन 2015, 2007 सँ मधेशी प्लेटफॉर्म, मधेश के जे राइट्स छै, मधेश के जे मूवमेंट के बात सब जे भऽ रहल छै ओ इंटरनेशनल लेवल मे 2007 सँ हमर अनुभव अनुसार 2007 सँ आयल लागे।
जखन पॉलिसी के बात कर ली अपने कि इंटरनेशनल की मीडिया के एक टा पॉलिसी होई छे, एक टा सिस्टम होई छे, चेन होई छे कि नेशनल मीडिया पहले स्टोरी कवर करी छे तब इंटरनेशनल मीडिया ओकरा फॉलो करलक आ स्टोरी के पिक करलक। लेकिन अखन स्पष्ट लगभग ई बात छे कि नेशनल मीडिया कतो न कतो बायस भऽ गेल छे। आ ई आंदोलन के अखनो तक के समय के हम बात करी छी, अखनो मधेश आंदोलन के रिकॉग्नाइज नहीं कर रहल छे नेशनल मीडिया। यदि एकरा कवरेजो करी छी तऽ दोसर एंगल से करी छी, ई आंदोलन छे, ई अधिकार के लागी लड़ाई छे, एहि एंगल से नहीं कह के एकरा विभेद आ विभेदात्मक तरीका से एकरा विखंडन के एंगल से नेशनलिटी के लागी चैलेंज के रूप में एकरा स्टोरी कवर कर रहल छे। लेकिन अहाँ सब के जे अल जजीरे के रिपोर्टिंग के बात करी या तो आज तक के रिपोर्टिंग हम सब देखली, विगत के दिन में एबीपी के रिपोर्टिंग सब देखली, तो उ सब फिर ई रियलिस्टिक सिचुएशन जे सिचुएशन एत छै जे के लागी आंदोलन भ रहल छै उ पृष्ठभूमि तक के बात उठाब रहल छै, तो इंटरनेशनल मीडिया डायरेक्ट फिर आखिर नेशनल मीडिया से दोसर लाइन में तो अखन कवरेज कर रहल छै, तो ई कते डिपेंडेंसी छै चेन ऑफ कमांड तो कतौ तो जाके ई तक चेन सिस्टम टूटले, नेशनल मीडिया कुछ और दिखाई रहल छै, इंटरनेशनल मीडिया कुछ और दिखाई रहल छै, तो डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन केना नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया के भेले, आ यदि भेले तो ई पहले किया नहीं भ सकले, नेपाल के मीडिया पर एते भर पड़े के, नेशनल मीडिया पर भर पड़े के क्या आवश्यकता नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया सबके पड़ले। अब ई स्पेसिफिक चेन ऑफ कमांड से बेसी स्टोरी के ब्रॉडकास्टिंग के जे नियम अथी होइ छै ओ एकटा पिकअप केला के बाद जे चैनल और जे मीडिया ओकरा प्रस्तुत करय चाहै छै ओकर अपन एनालिसिस ओकर अपन फैक्चुअल रिपोर्टिंग के तौर तरीका सब होइ छै। अल जजीरा एकटा अपने में एहन चैनल छै जे वर्ल्ड वाइडे ग्राउंड रिपोर्टिंग के नाम पर मशहूर छै, कोनो इवेंट भेल तऽ ग्राउंड में जाकर रिपोर्टिंग कयल गेल, नहि ताकि आर्मचेयर जर्नलिज्म कयल गेल, तऽ ओहि सन्दर्भमे ई तथ्य के जे बात कऽ रहल छै जे 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 अहाँके फैक्ट छै ओकरा देखा गेल यऽ ओ बड़का बात खास नहि भेलै, लेकिन अब नेशनल मीडियामे जे ओकरा ट्विस्ट एंड टर्न जे आबि रहल छै ओ सर्टेन पिक्युलियर इंटरेस्टके कारण आबि रहल छै। अब अगर देखबै तऽ हमरा नहि बुझलियै बाजलाके बाद तरङ्ग अगर आबै या नहि, लेकिन अगर देखबै तऽ फेडरलिज्म जे संघीयता छै ने काठमाण्डूके एलाइट वर्ग ओ नहि चाहै छै कि ओ कथी लए नहि चाहै छै कि अहाँके फेडरलिज्म संघीयता भेलाके बाद ओहिठाम रिसोर्सेजके सेहो बँटवारा हेतै कि अखन अहाँके ग्रांटके नाममे मीडिया रिपोर्टिंगके ग्रांट के नाम में अखन एक मुश्त काठमांडू में अबै छै ओहिठाम के मीडिया ओकरा सदुपयोग केलक, लेकिन उहे चीज काल्हि फेडरलिज्म में एतै तऽ अपन टीवी जकाँ अहाँके चैनल भेल लेकिन दोसर लोकल टीवी सब एतै ओ सब डायरेक्ट एक्सेस ओ रिसोर्सेज पर आबि सकैया, तऽ ओहो एकटा बहुत हिडन इंटरेस्ट छै, हमरा लगमे कोनो एविडेंस ई नहि अछि, एकटा हमर तर्क अछि, तऽ ओ एलिट वर्ग जे जे छै ने काठमाण्डूमे अहाँके जकरा कहियौ ने एकटा कॉकटेल वर्गके नामसँ सेहो मशहूर छै, 1000 आदमी 1500 आदमीके वर्ग छै, ओ असलमे नहि चाहै छै देशमेसँ आ ओकरा कोनो अधिकार विभेद राजनीतिके बारेमे ओकरा कोनो फर्क नहि पड़ै छै, ओसब एकटा बिजनेसमैन एकटा टॉप टिपिकल नॉर्म्स भेल बिजनेसमैनके रूपमे आगाँ बढ़ि रहल अछि, तऽ एहन एहन कारणके कारण सेहो ई स्पेसके दबायल गेल छै। जेना 50 पीपल हैव बीन किल्ड, ई एकटा बहुत बड़का न्यूज भेलै आफेमे, एकटा अहाँके कहियौ ने हेडलाइन्स तरहके न्यूज भेलै, तऽ ई अहाँके टीवी के चैनल सब एहिमे कनिक आगाँ अइ, टीवी के चैनल सब देखेलेगा कते न्यूज सब, बहुत राष्ट्रीय टीवी चैनल सब अइ जे देखेलेगा ई न्यूज सब, लेकिन प्रिंट कथी लए साइलेंट भेलै तऽ ओ एकटा अखनेमे होइ छै ने एकटा प्रश्न भेल, आर हम तखन जे कहलहुँ एकटा तर्क ओहो एकटा भऽ सकैया, आरो एकटा तर्क इहो भऽ सकैया कि ग्राउंड रिपोर्टिंग नहि कऽ पाबि रहल छै कि, लेकिन ओकरा अनुसार देखबै तऽ सबके अपन अपन रिपोर्टर छै, एहिठामके इहे समुदायके रिपोर्टर छै, तऽ हुनकर सबके तऽ नीकसँ रिपोर्टिंग तऽ जाइते हेतै, एडिटोरियल लेवलमे कथी लए ई ब्लॉकेट छै, ई एकटा प्रश्न चिन्ह जरूरी गेट कीपिंग करल जा रहल छै एडिटोरियल लेवलमे, से बात अपने कहलियै, ई लगभग इहे बात जेना हमरो बुझाबि रहल अब। दोसर जे विषय हम अहाँके बुझैके चाहब, 15 दिनके अपनेके रिपोर्टिंग ई अल जजीराके लागि मधेशके विभिन्न क्षेत्रमे रौथहड जनकपुर बीरगंज लगायत आओर विभिन्न क्षेत्रमे करली, ई 15 दिनके अपनेके रिपोर्टिंगके एक्सपीरियंसके हिसाबसँ केहन माहौल देखली मधेशमे आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन अबे के बादो तक अहाँ रिपोर्टिंग कर रहल छी, केहन माहौल देख रहल छी, रेवोल्यूशन कोन रूप में जा रहल छै, एकर की फ्यूचर देख रहल छी अपने। अब ई मधेशके ई जे मूवमेंट ये ई जे आंदोलन ये एकरा जन आंदोलनके भावनासँ ई आगाँ बढ़ि रहल अइ, एहिमे स्पेशली हम बहुत आदमीसँ बात केलहुँ हँ, बहुत हरेक वर्गके आदमीसँ हमसब बात केलहुँ हँ, बहुत आदमीके एस्पिरेशन सबके बुझऽके कोशिश केलहुँ हँ, सबके एकटा सिम्पल बात छै कि ई देश हमरो अइ, ई देशके नागरिक हमहूँ छी,
ई संविधान हमरो संबोधन करना चाहिए। और ई जे तीन चार आदमी के जे नेता जे अपन वैसे ने स्वार्थ के कारण जे ई कल के दिन में अपना आप के सुरक्षित करे के कारण जे बंटवारा कैल गए उ बंटवारा के खिलाफ मधेशी जनता आई। और बाकी चीज जे छे से 240 साल नहीं कहबे हम तो 1000 साल ऊपर के कहबे ओकर आक्रोश बाहर निकल रहा है मधेशी जनता के। ये देखियो मधेशी सभ्यता अपने आप में एक पूर्ण सभ्यता है कि 4000-5000 वर्ष के एक इतिहास है। अही तो हम जखन जनकपुर में हम तो यो कहे कि डेमोक्रेसी लाब वाला जगह जनकपुर यहाँ के राजा जनक जे रहे वो यहाँ के एक डेमोक्रेटिक किंग के टाइप में ओकरा मानल जाए। वही टाइम अपने के कुल सब है हर एक जगह में हर एक कुल के अपन आचार्य हो बुझल उ आचार्य सब अपने के सिलेक्ट भ के नहीं कि इलेक्टेड भ के अबे आ उ आचार्य सब मिल के अहाँ के राजा के निर्वाचन करे तो सोचबे तो डेमोक्रेसी तो इे जगह से आयल से ना कि ग्रीस से तो नहीं आयल से प्रूव करे के लिए हमरा सब लग में दस्तावेज नहीं है आई तो एहन एहन चीज में मधेश पूर्ण नहीं है। और ई जे आंदोलन जे से हरेक मधेशी के एकता एकता भावना मिलल भावना छे ओहि में चाहे छे मधेशी जनता कि ई देश के विकास में हम सब ई देश के आगा बढ़ा सकै छी ई देश के नागरिक हमू छी। और एमे अगर सम्मान नहीं देल जेतै तो मधेशी अपने आप आगा के रास्ता आगा बढ़ाव के लिए सक्षम नहीं। अखन कार्यक्रम में एकटा ब्रेक के समय भेल छे ब्रेक के बाद फिर उपस्थित रहे। ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम में। हम सब बात कर रहा छलिए कंचन झा जी से जे कि मास कम्युनिकेशन के आ इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट से हो छथिन आ 9 साल से अल जजीरा के लागी निरंतर रूप से रिपोर्टिंग कर रहा छथिन नेपाल से। कंचन जी हम सब बात कर रहा छली आंदोलन के तो ई आंदोलन के क्रम में अपने सब फील्ड में जे 15 दिन से छी तो ई फील्ड में अपने सब लोकल रिपोर्टिंग लोकल मीडिया के रिपोर्टिंग से हो स्टडी करैत हैब फॉलो करैत हैब आ नेशनल मीडिया के सेहो रिपोर्टिंग फॉलो करैत हैब तो ई दुनू मीडिया लोकल रीजनल आ नेशनल मीडिया के रिपोर्टिंग के स्टाइल से लक आ एथिक्स फॉलोइंग में केतकर फैक्ट अहाँ के लागी बेसी फ्रूटफुल भेल अहाँ के बेसी काज लगल आ केकर एथिक्स फॉलोइंग अहाँ बेसी सिंसियर देखले छी। अभी फैक्चुअल रिपोर्टिंग के आधार पर तो देखबे तो हमरा सबके सबसे बेसी काज लागल है स्पेशली अपन ई गांव गांव लेवल के जे बात सब जे बाहर एले ओहिमे तो अहाँके ई लोकल FM सब और लोकल मीडिया के बेसी एहिमे हमरा सबके कहियो ने एकटा ट्रेंड की छलै कि हुनकर सबके बात के देख के ओहिके बाद ओ स्टोरी पर जंप करे के तो ओहिमे लोकल FM बहुत हमरा सबके साथ देलक। एकटा रिसेंट अहाँके एग्जाम्पल देब जेना वीरगंज में ओहि दिन संविधान जे दिन घोषणा भेलै 3 गोटे ओहि दिन के जिन गोली लागल के जे रिपोर्ट रहै हमसब ओहिठाम से कनिक दूर रही तो FM में सुन के ओहिठाम ओ घटनास्थल पर जाकर ओकर फुटेज सब लेब में शामिल भेलो तो लोकल मीडिया जे अखन ई मधेश आंदोलन के जे मिलकर जो उठा रहा है वो एक अपने आप में बहुत होने एक स्ट्रांग मूव भेल खासी कम्युनिटी के लिए। लेकिन ओहिमे कते रिपोर्टिंग सब अहाँ के लेयर्स में हरा रहा है तो ओहिमे जो न्यूज रूम कंट्रोल कनिक स्पेशली FM सबके अथी में ताकि जेना टेलीफोन के थ्रू वार्ता जखन भ रहा है तो ओहिमे अपना सबके केना आगा बढ़ पड़े कि कते चीज सब कंट्रोल करे पड़े कते चीज व्यूअर के डिस्क्रिप्शन में रहे तो ओ प्रेस एथिक्स अगर मेंटेन कल जेतै तो ओहिमे
ओहिमे ओहिसे आओर तथ्यके हिसाबसँ रिपोर्टिंग हेतै। आओर अहाँके जहाँ तक क्वेश्चन रहै ओहिमे तऽ कहबै कि हम तऽ स्पेशली लोकल मीडियाके रिपोर्टे देख कऽ अपन सीनियर सबके होइ छै ने एहिठामसँ रिपोर्ट पठाबैमे खास सफल रहलहुँ। क्रॉस चेक जखन अपने सब कर लिए, अपने सब दोनों स्टोरी के आई थिंक क्रॉस चेक करी था, जखने अपने इंटरनेशनल मीडिया में फॉरवर्ड करी थी स्टोरी, तो क्रॉस चेकिंग के विभिन्न लेयर सब है दे, तो वही में नेशनल मीडिया के न्यूज के क्रॉस चेक करे के क्रम में लोकल मीडिया के न्यूज के क्रॉस चेक करे के क्रम में बेसी रियलिस्टिक केकर न्यूज नजर आयल आ कत कत लूपहॉल सब नजर आयल जत न्यूज के ट्विस्ट एंड टर्न करल जा रहा है या तो कोनो फैक्ट के हाइड क आ दोसर एंगल देल जा रहल छै, तेहन किछु केस होय अहाँके ई 15 दिन के रिपोर्टिंग के क्रम में तो ओ किछु शेयर कऽ सकी? ओहिमे बेसिकली जखन 15 दिन के लास्ट रिपोर्टिंग में हमसब अपने ग्राउंड पर एला के बाद अब हमर सबके अपने तो अपन अपन नाक आँख कान भऽ जाइ छै, तो लोकल मीडिया के न्यूज के सुनलहुँ ओहिके बाद अपन वेरिफिकेशन प्रोसेस में लगलहुँ। ओहिसँ पहिले देखबै तऽ कते न्यूज सामग्री सब एहनो भेट गेलैया जतऽ होइ छै ने ओ क्राउड के दोसरे जगह दोसरे चीज नाम दऽ कऽ ओ क्राउड के नराम्रो पक्ष के खाली आगा बढ़ा कऽ एहनो रिपोर्टिंग सब भेलै, लेकिन एज आई सेड कि हमसब अपने ग्राउंड में भेला के पर हमरा सबके इजी छलै कि होइ छै ने कोन तथ्य छै कोन असत्य मतलब असत्य छै। आर स्पेशली ओहूमे FM सब एहिमे नीक भूमिका खास निभेलक है, जतयसँ गाँव गाँवसँ रिपोर्टिंग सब आबि रहल छलै, कैलाकि गाँव गाँवमे सेहो बड़का आंदोलन भऽ रहल छलै आर ओ चीज अहाँके स्पेशली काठमाण्डू तक ओहो वॉइस नहि पहुँचलै। अगर हमरसबके फर्स्ट रिपोर्टिंग यदि पीरगंजके देखबै तऽ हमसब हरेक गाँवमे जाकऽ जे जे अहाँके ई युवा सबके जकर जकर मृत्यु भेल रहनि हुनकर सबके घर घरमे जाकऽ हमसब रिपोर्टिंग कयने रही, तऽ ओ चीज यदि बाहर यदि लोकलो मीडिया आनि सकैए तऽ ओ लोकल मीडियाके लेल एकटा बहुत बड़का अपॉर्चुनिटी हेतै कि इवॉल्व करैके लेल। आओर हम स्पेशली लोकल मीडियासँ कथी लए खुश छी कि ई एकटा होइ छै ने प्रो प्रो एक्टिविज्म जर्नलिज्म तऽ भेबे केलै, ओहूमे एकटा फैक्चुअल रिपोर्टिंग के नया पाठ लोकल मीडिया सिखलक है, ओहिके लेल हम तराईके समग्र लोकल मीडियाके बधाइयो देबय चाहै छी। अपने मास कम्युनिकेशनके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशनके सेहो स्टूडेंट छी, USA अपने पढ़ि कऽ आयल छी, इंटरनेशनल रिलेशन के अहाँके एक्सपीरियंस अहाँके परसेप्शन के हिसाब से रिसेंट दिन में जे रिसेंट डेज में नजर आयल UN सेक्रेटरी के सेहो वर्डिक आयल छै कि खुश नहीं छथिन संविधान से, इंडिया के सेहो स्टैंड छै संविधान ई संविधान के ई प्रक्रिया से इंडिया सेहो सेटिस्फाइड नहीं छै, आ विभिन्न एहन असंतुष्टि के इंटरनेशनल लेवल पर सेहो बात सब उठल छै। एहि क्रम में कतौ न कतौ इंटरनेशनल मीडिया के सेहो रोल छै ई बात सब पुगबे के लागि, तऽ ई आँखा कान जखन इंटरनेशनल मीडिया छै इंटरनेशनल कम्युनिटी के लागि तऽ एकर फ्यूचरिस्टिक की रोल सब भऽ सकैए? अल जजीरा अखन रिपोर्टिंग कऽ रहल छै एहि एंगल से, काल्हि भऽ के अल जजीरा के रिपोर्टिंग से UN स्टेप लऽ सकैए, इंडिया जेनाकि अखन जेना एक्टिव रोल में छै संभवतः बीच के मीडिएशन के लागि, आ ओ अपन सिक्योरिटी एटलीस्ट इंडिया बॉर्डर के लागि पड़ै छै नेपाल जोड़े तऽ अपन सिक्योरिटी के लागि अलर्ट में छै, तऽ एहि संदर्भ में अहाँ सबके रिपोर्टिंग के कते प्रभाव पड़ रहल छै आ इंटरनेशनल स्टूडेंट होय के कारण से अहाँ इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट होय के कारण से केना लै छै इंटरनेशनल कम्युनिटी कोन रूप से मीडिया के एनालाइसिस करते हुए एहि आंदोलन के केना लेते आ केना एकर सॉल्यूशन सर्च करते या तऽ केना नेपाल के गाइड कऽ सकै छ या इंटरप्रेट कऽ सकैए इंटरप्ट कऽ सकैए कतौ? जी जेना हम तखन कहने छलहुँ कि इंटरनेशनल लेवल पर स्टोरी पिकअप कऽ लेने छै स्पेशली मधेशके अथीमे, आओर धीरे धीरे आदमीके बुझि रहल छै कि अपन अधिकारके लड़ाइ छै, ना कि कोनो एनार्किजम आओर कोनो होइ छै ने हुलिगनिज्म नहि छै कि ई एकटा अधिकारके लड़ाइ छै जकरा प्रहरी प्रशासन लगा कऽ सरकार दमन केलकैए, कियाकि तऽ ह्यूमन राइट्स वायलेशनके क्लियरली एहिठाम अहाँके देखा पड़ि रहल छै, ओ फैक्चुअल रिपोर्टिंग इंटरनेशनल लेवलपर आब आबि रहल अइ। ओहिके रेस्पॉन्स कहबै आओर ओ कहलाके अपन नहि रेस्पॉन्स कहबै, विभिन्न निकायसब अपन अपन असन्तुष्टि आओर राज्यसब अपन अपन असन्तुष्टि सेहो प्रकट कऽ रहल छै। आब एकर फ्यूचर की हेतै इंटरनेशनल रिपोर्टिंगमे,
तऽ ऊ ऊ तऽ अब हम एकटा जनरलाइज कऽ कऽ तऽ नहि कहि सकै छी, लेकिन हम एतेक तक की कहि सकै छी कि एज एकर होइ छै ने, की छै एकर समाधान, तऽ ओ समाधानके सेहो रिपोर्टिंग अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय आओर अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस तऽ ओकरा सेहो आगाँ बढ़ेबे करतै। आओर एखन देखबै तऽ विभिन्न सोशल साइट सभमे आओर सोशल मतलब ई इंटरनेशनल मीडियाके सोशल साइट सभमे सेहो देखबै, सोशल पेज सभमे तऽ ई स्टोरी धीरे धीरे पिकअप कऽ रहल अइ। आओर जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धके बात भेलै, ई आप कहियो ना कि ई संविधान निकललाके बाद तऽ एकटा वन ऑफ द बिगेस्ट कारण फैक्टर इहो छै कि प्रधानमंत्री जे भ्रमण रद्द केलखिन हँ, ओ भ्रमण रद्द करैके वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इहो छै कि ओहिठाम जाकर जे लाज हुनका व्यवहार पड़तै, ओ लाज बचाबऽके नहि हुनका लगमे क्षमता नहि भऽ कऽ ओ रद्द कयल गेलैए। आ प्लस प्रधानमंत्री मोदीके साथ जे भेटऽके पहिलेके छलैए प्रोग्राम, ओ कैंसिल भेल गेलैए। आ प्लस वहाँपर जे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समुदायके अन्तर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स सभके एसोसिएशनके आदमी सभ हेतै, हुनका सभके आंसर देबऽके लेल प्रधानमंत्री सङ्गमे नहि भेलाके कारण ई भ्रमण सभ रद्द कयल गेलैए। आओर ई एकटा बहुत बड़का लज्जा स्पद छै ई देशके लेल कि जनताके प्रतिनिधिके लगा कऽ संविधान पारित करैत, संविधान जे 95% कहै छै ने, 95% पास कयल संविधान, आइ 50% पॉपुलेशनके सम्बोधन नहि कऽ पेलकै, तऽ ई इंटरनेशनल कम्युनिटीके लेल बहुत एकटा सीरियस कंसर्न भेलै आ नेपालके लेल बहुत एकटा ह्यूमिलिएशन भेलै। जे संविधान सभामे हमसभ 9 सालसँ इन्वेस्ट कयने छलहुँ हँ, जे संविधान सभा ई देशके एकीकृत कऽ कऽ आगाँ बढ़ाएत कहिके कयने छलहुँ, आज वही संविधान सभा हमरा सभके दू टुकड़ा कऽ रहल अइ। आओर एहिमे मधेसी जनता आओर मधेसमे रहयवला हरेक समुदाय, हरेक वर्ग, हरेक जात, हरेक धर्मके एकेटा चाहना छै कि मधेसके विभेद मुक्त हुअ चाही आओर मधेस आगाँ बढ़ि सकैए एकटा मालामे। ओवरऑल कहल जाए तो गवर्नमेंट के कंप्लीट फेलियर छे, ई गवर्नमेंट के कंप्लीट फेलियर भेले। हम तो अखन तक आके सरप्राइज छी कि कला अपन सब के नेतागण जे छत मधेश के रिप्रेजेंट कर रहल छै, ओ सब राजीनामा कथी ला नै मांगल था, ई एकटा बहुत बड़का क्वेश्चन एज ए मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हम पर्सनल लेवल पर पूछ रहल छी कि जखन फेल्ड गवर्नमेंट एहन भऽ गेल छै, ओ तुरंत पहले राजीनामा दऽ कऽ तब वार्ता में आबऽ चाही। गवर्नमेंट के नेशनल पॉलिसी फेल छै, इंटरनेशनल पॉलिसी एज वेल एज फेल छै, तऽ ई नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी के फेलियर के सीधा इम्पैक्ट नेशन इम्प्रेशन पर पड़ै छै, देश के इम्प्रेशन आ रेपुटेशन पर पड़ रहल छै नेपाल के समग्र में मान्यता, नेपाल के विभिन्न विकास कार्यक्रम सब में इफेक्ट पड़तै। अहाँ के जेना अर्थक्वेक के बड़का रिकन्स्ट्रक्शन अथॉरिटी जे बनायल गेलै, रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में जे पहाड़ में रहल हमर सबके दाजू भाई छथि हुनकर सबके घर जे बनय के बात छै ओहि सब पर इफेक्ट करतै, तऽ ई हमसब अपने बुझि सकै छी पूरा देश के जनता कि कते नालायक सरकार छै कि एकटा ई चीज सम्बोधन नहि कऽ के पूरा देश के। एहि एंगल में अपने के एकटा प्रश्न करे के चाहब, ई इंटरनेशनल रिपोर्टिंग डोनर एजेंसी सब बहुत फॉलो करी छे, कोन कंट्री के पॉलिटिकल स्टेटस की छे, ओता के ह्यूमन राइट के स्टेटस की छे, ई डोनर एजेंसी सब के एकटा मापदंड होई छे डोनेट करे के लेल आ ओहि कंट्री पर लगानी लगवे के लेल। नेपाल में रिसेंट डेज में ई इंटरनेशनल डोनर सबमिट क क जे हो फंड सब आयल छलक, जे कमिटमेंट सब आयल छलै, विभिन्न डोनर सब नेपाल में विभिन्न किस्म से डोनेट कर रहल छथि, विभिन्न चैनल से डोनेशन आबि रहल छल नेपाल में, लेकिन अखन के जे ई रिपोर्टिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड में गेल छै, इंटरनेशनल कम्युनिटी अखन नेपाल के पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, अनसिक्योर गवर्नमेंट आ ई ह्यूमन राइट वायलेशन के एहन एहन केस सब जे देखले छै, तऽ ई कतेक अपने इंटरनेशनल रिलेशन के सेहो स्टूडेंट छी, ताहि हिसाब से अहाँके रिपोर्टिंग के सो एक्सपीरियंस के हिसाब पर कहि सकै छी, डोनर एजेंसी सबके कतेक प्रभाव पारतै आ एहिसे नेपाल के दीर्घकालीन रूप से कते असर सेहो पड़े वाला छै। अपने कहि चुकल छी नेपाल के इम्प्रेशन डाउन भेल छै, तऽ इम्प्रेशन के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से सेहो कतेक नेपाल के एहिसे घाटा बिहोरे पड़ि सकैए। नहि, डेफिनेटली यहाँ के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दुनू में अहाँके ई अफेक्ट रहत। काठमांडू की छै कि काठमांडू अपने आप में एकटा बबल छै, कि बबल मतलब आब केना कहू अहाँके, होइ छै ने एकटा फोहरा छै अपने आप में, तऽ ओ फोहरा बाहर ओ देखऽ नहि चाहै छै, कि ओहिठाम के जे एलिट वर्ग यऽ ओ अपने आप के ओ फोहरा भीतर के भीतर रहऽ चाहै छै। एहिसँ जे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय पर जे असर पड़लै हँ, जे आबऽ वला जे प्रतिबद्धता सब छलै, आबऽ वला कार्यक्रम सब छलै हँ मधेश में, पहाड़ में, हिमाल में, कतौ आबऽ वला कार्यक्रम, ओहि पर जरूर अहाँके इफेक्ट पायल जेतै। आ जे हिसाबसँ एहिठाम ह्यूमन राइट्स वायलेशन सब जे भेलै हँ विद इन द लास्ट 30 डेज, ओ अहाँ देखबै तऽ ओ लेवल ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन
सिचुएसन बहुत फ्रस्ट्रेटिङ आओर ओ सबसँ बहुत बड़का सीरियस पन छै। अखन तऽ ह्युमन राइट्सके रिपोर्टो सब नहि आयल है, सोचू न अखन तऽ कतेक इन्वेस्टिगेशन भए रहल छै, हमरे सबके कते मित्र सब छथि जे इन्वेस्टिगेशनमे लागल छथि, ओ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सब अयलाके बाद नेपालके जे जे इम्प्रेशन आयल छलै स्पेशली 2006 के बाद जे होइ छै ने अहाँके कम्प्रिहेन्सिव पीस शान्ति समझौता बृहत शान्ति समझौता केलाके बाद ओ ओहिमे एकटा डाउनफॉल भेलैए आओर ओ तीनटा स्वार्थी नेताके कारण भऽ रहल छै। कम्प्लीट एम्बैरेसमेंट और इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अपन होइ छै ने हमर सबके हेड इट्स अ शेमफुल एक्सप्लेन करहो मैम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के की भऽ रहल छै अपन जनता के ऊपर एते दमन केनाइ बहुत मतलब इट्स कम्प्लीट एम्बैरेसमेंट। अपने बहुत नीक विचार रखली अपन टेलीविजन के समय देवे के लेल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू दर्शकबिन, आइ हम सब बात करली कंचन झा जी से जे अल जजीरा के लागि रिपोर्टिंग करी छथिन नेपाल से आ अखन उनकर टीम एक्टिव छे ई मधेश आंदोलन के क्रम में। विभिन्न बात सब कंचन जी रखलखिन जैमे कि एकटा महत्वपूर्ण बात निकलल अछि कि नेपाल के ओवरऑल रेप्यूटेशन जे ग्लोबली छल जे इंटरनेशनल रिलेशन में छल ओ सब कतौ न कतौ ह्रास के तरफ जा रहल छै, नेपाल के रेप्यूटेशन डाउनफॉल में जा रहल छै आ साथे साथ नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी सेहो नेपाल के कतौ बिल्कुल ही अनियोल में छै आ फेल्योर छै, कम्प्लीट फेल्योर छै, गवर्नमेंट कम्प्लीट फेल्योर छै से हुनकर कहब छल आ ई दीर्घकालीन रूप से नेपाल के असर करतै। हुनकर बहुत नीक विचार सब आयल एहि कार्यक्रम में आ हुनका धन्यवाद दैत एहि कार्यक्रम से विदा चाहै छी, अगला एपिसोड में फेर उपस्थित होयब। नमस्कार।